ओके सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. एकदम इजी है, बुक की डेफिनेशंस पढ़ के देखना तुम, घटिया से घटिया डेफिनेशंस लिखते हो लोग. ऊपर ऊपर मैंने अक्सर से गांड डेफिनेशन, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन. पहला ठीक है, साथ में लिखते जाना, वन वन रिलेशन. ओके बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन. वन वन रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज लाइक मोस्ट वन इमेज इन बी एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी then relation R from A to B is set to be one. कुछ नहीं समझ बराबर है, कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी नहीं समझता. खुद पढ़ के देखना, मैं इसका फोटो भेजूंगा, सब पढ़ के देखना. और कुछ भी नहीं समझता. ओके थिंग इज अब उसको अपने इसमें कन्वर्ट करेंगे. वट वी विल डू इज रिलेशन R इज फ्रॉम, पहले अपन A B लिख लेते हैं. A है तुम्हारा, क्योंकि इसमें डोमेन को डोमेन भी देखना है अपने को. A है तुम्हारा 3, 4, 5, 6 एंड बी है तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 9. ओके ए है तुम्हारा 3, 4, 5, 6, बी है तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 9. नाउ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ एरो जाने वाले. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला तो ए टू बी एरो जाते हैं. सो ए टू बी मतलब रिलेशन का सेट दिया है 3, 5, 4, 6, 5, 7. ओके ये तुम्हारा रिलेशन का सेट है. रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, तो वेन डायग्राम निकाल लेगा इसमें. सबसे पहले ये ए हुआ, ये बी हुआ तुम्हारा. ए है तुम्हारा 3, 4, 5, 6, बी है तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 9. नाउ द थिंग इज आर रिलेशन है 3, 5, 4, 6, 5, 7. तो क्या है एरोज, सिंपल मैच द पेयर 3, 5, 4, 6, 5, 7. 3, 5, 4, 6, 5, 7. वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन मतलब ए के एक इसमें से एरो जा रहा है और एक ही इस पे एरो जा रहा है. ठीक है, ए के एलिमेंट्स में से एक इससे एरो निकल रहा है और कोई तो भी एक ही इस पे एरो जा रहा है. एक एक दो से एरो नहीं निकल रहे, या फाइव पे दो एरो नहीं जा रहे, ऐसा कुछ नहीं. वन वन एक एरो निकल रहा है, एक किस पे जा रहा है, एक एरो निकल रहा है, एक किस पे जा रहा है. सो वन वन इजी. ओके तो अब आ जाते हैं डोमेन को डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट में. डोमेन डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन क्या आएगा इसका, जिससे एरो जा रहा है. तो डोमेन आएगा 3, 4, 5 बराबर इजी. रेंज रेंज क्या आएगा तुम्हारा, जिससे जिसपे एरो आ रहे हैं. तो 5, 6, 7 एंड कोडोमेन हमेशा पूरा का पूरा सेकंड सेट रहता है. कोडोमेन क्या रहता है, पूरा का पूरा सेकंड सेट. सो कोडोमेन क्या आ गया 4, 5, 6, 7 इजी. सो दिस इज कॉल्ड वन वन रिलेशन. बुक की डेफिनेशन जब अपना ये हो जाएगा तब उसके बाद पढ़ना. Okay. फिर आता है सेकेंड वन इज मेनी वन रिलेशन. मेनी वन रिलेशन ओके मेरे साथ में लिखते जाना. एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 बी इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है 1, 4, 3, 7, 4, 4. ओके 1, 4, 3, 7, 4, 4. तो इसकी अपना वे डायग्राम, वेन डायग्राम क्या बोलते हैं उसको, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मध्य मैच द पेयर्स रहेंगे अपने. सो ये हो गया ए, ये हो गया बी. ए लिखना 2, सॉरी ए है अपना 1, 2, 3, 4 बी है अपना 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप छोटे हो गए तो 7. ओके ना मैच द पेयर्स और तो कुछ नहीं करते अपन, सिंपल मैच द पेयर्स कर रहे. कुछ मैच द पेयर्स कराए इतून इतून ने ये आर में से वेयर वी विल फाइंड द मैच द पेयर्स फ्रॉम आर. सो 1, 4 देन आ गया 3, 7 देन क्या आ गया 4, 4 अब दो एरोस एक इस पे जा रहे. सो मेनी वन
मतलब बहुत सारे एलिमेंट से एक इस पे जा रहा है, यहाँ पे दो इस से एक पे जा रहा है, मैनी वन, क्या आएगा मैनी वन। तो चलो डोमेन लिखते हैं, डोमेन डोमेन इसके बाद के डोमेन, क्योंकि तुम लोगों को लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो, क्या करना, वीडियो पॉज योर वीडियो हियर राइट नाउ एंड देन राइट द डोमेन, और फिर अनपॉज करके रिज्यूम करके फिर मेरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सो डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहे हैं, को रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहे हैं, एंड को डोमेन मतलब पूरा का पूरा दूसरा सेट। तो इजी हो गया, डोमेन 1 3 4, रेंज 4 7, तो ये ना इस पे चारो जा रहे और तो किसी पे आ रहे नहीं जा रहे, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट भी 2 3 4 5 6 7। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर इनटू एंड ऑनटू रिलेशन, इनटू एंड ऑनटू रिलेशन। ओके इनटू पहले डेफिनेशन लिख लो फिर तुम मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनटू बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली दिखना चाहिए, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली दिखना चाहिए, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली दिखना चाहिए। सो अगर तुम्हारा दिमाग लगाया होगा ऑन टू में क्या रहना चाहिए, बी में एक बी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए। बी में एटलीस्ट एक बी एलिमेंट, मतलब सॉरी ए में बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली दिखना चाहिए इज इन टू, ऑन टू बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए, दैट इज योर ऑन टू बेसिक। अब इसको एग्जाम्पल केस पे देखते हैं, इनटू का एग्जाम्पल देखते हैं, इनटू मैं एग्जाम्पल्स दो जगह लिखूंगा। सो इनटू जो एग्जाम्पल ए है वहां पे -2 1 0 1 2 3, बी है यहां पे इनटू करेंगे फिर वहां पे मिटा के मैं ऑन टू का लिखूंगा। ओके बी है मेरा 1 4 9, R is a relation, sorry, B is 0, 1, 2, 3, 4 and R ऐसा relation है जिसमें आएगा -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 and 2, 4। Let's move on with the Venn diagram. So this is into कर रहे हैं। Into की definition क्या है, B में at least एक element खाली दिखना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल है उसका। सो थिंग इज वेन डायग्राम ए बी, ए क्या है मेरा -2 1 0 1 2 3, बी है मेरा 0 1 2 3 4। सो आफ्टर आई ड्रॉ द डायग्राम सिंपल मैच द पेयर्स करने, तुमको मैच द पेयर्स क्या आएंगे तुम्हारे -2 4 -1 1, यहाँ पे मैंने -1 नहीं लिखा, -1 1, 0 0 1 1 2 4, दिखा यहाँ पे ये दो खाली दिख रहे हैं तुमको। तो अगर ये दो खाली है इसका मतलब ये इनटू हुआ, अगर ये दो खाली है इसका मतलब इनटू हुआ, बिकॉज इनटू के डिफिनेशन क्या है, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए मतलब जिस पे एरो नहीं जा रहा है, खाली होना चाहिए मतलब जिस पे एरो नहीं जा रहा है। अब वी विल मूव ऑन टू ऑन टू। सो ऑन टू में एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए। सो एग्जांपल लेते हैं, ए है मेरा -2 1 -2 -1 3 4, -1 1 3 4, बी ए मेरा 1 4 9, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी,
वो है मेरा माइनस टू कॉमा फोर, माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा वन एंड थ्री कॉमा नाइन, थ्री कॉमा नाइन. ओके, सो एज यूजुअल एरो डायग्राम निकालेंगे. सो एरो डायग्राम के हिसाब से माइट द पेयर्स करने अपने को ए बी, माइनस टू माइनस वन, वन थ्री फोर, बी आए वन फोर नाइन. डेफिनेशन, डेफिनेशन पहले देखेंगे, ठीक है? पहले पूरा प्रॉपर यहां तक लिख लेना और फिर डेफिनेशन सुनते जाना. डेफिनेशन इज बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए, बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए. इसका मतलब ये आर में से सभी के एरो खरीदी जाने चाहिए. तो माइनस टू से गया फोर पे, माइनस टू से एरो कहां गया फोर, माइनस वन से गया वन, वन से भी गया वन, थ्री से गया नाइन. बी में कोई भी एलिमेंट खाली है क्या? नहीं. तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ऑन टू. ये क्या हुआ तुम्हारा? ऑन टू. सो अगर मैंने बोला कि इन टू है तो बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट, कम से कम एक तो भी खाली चाहिए. ऑन टू बोला तो बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए. इसका डोमेन एंड रेंज तुमको मेरे को लिख के बताना है, ठीक है? खुद डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है, रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है. सो दिस इज योर सिंपल टाइप्स ऑफ रिलेशन. प्लीज किताबी डेफिनेशन मत पढ़ना क्योंकि कंफ्यूज होता है, ये याद रखना.